हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए राकेश सिंगल और आज आपका स्वागत है हमारी डेली सीरीज कल के बाजार में क्या करें। तो सबसे पहले बात करते हैं आज के बाजार की। आज यानी 27 मार्च को यानी फ्राइडे को आज निफ्टी जो ओपन हुआ 8949 पर ओपन हुआ और इमीडिएटली 9039 का लेवल टच किया। लेकिन जैसा कि हमने अपने आपको अपने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि 9000 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग आएगी, तो वही हुआ सेम, और प्रॉफिट बुकिंग आई और उसके बाद निफ्टी ने 8522 तक का लेवल टच किया और उसके बाद निफ्टी 8500 से 8700 की रेंज में घूमता रहा और फाइनली निफ्टी ने 8660 की क्लोजिंग दी। ये निफ्टी का चार्ट आपकी स्क्रीन पर है। अगर हम बात करें कल की यानी कल के बाजार के लिए बात करें तो कल 30 मार्च के दिन यानी मंडे को जब मार्केट खुलेगा तो आपको निफ्टी में सेल करना चाहिए जब भी आपको निफ्टी ऊपर जाए। और हमारे निफ्टी के लेवल 8500 से लेकर 8400 तक के लेवल निफ्टी में हमें देख सकते हैं। और अगर हम बात करें आगे आने वाले टाइम की, अगर अगले एक हफ्ते की या अगले दो हफ्तों की, तो आपको केवल सेल करना है एवरी राइज पर। जब भी निफ्टी में राइज मिले तो आपको सेल ही करना है और हमारे निफ्टी के टारगेट 8000 से लेकर 7500 तक के हैं। 7000 तक भी स्लिप हो सकता है, डिपेंड करता है कोरोना वायरस की कंडीशन ऑल ओवर वर्ल्ड क्या रहती है। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी जो था 19,20,802 पर खुला था और इमीडिएटली 21,462 का लेवल टच किया। लेकिन उसके बाद जैसा कि हमने आपको अपने लास्ट वीडियो में बताया था, इमीडिएटली प्रॉफिट बुकिंग आ गई और निफ्टी जो है 19,580 तक का लेवल निफ्टी ने टच किया। लेकिन उसके बाद निफ्टी 19,600 से 20,500 तक की रेंज में घूमता रहा और फाइनली 19,969 पे बैंक निफ्टी क्लोजिंग दी। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें कल के लिए, तो बैंक निफ्टी कल 19,500 से 19,000 तक स्लिप हो सकता है, तो आपको सेल करना चाहिए एवरी डाइज पर। और अगले 15 दिन की बात करें तो हमारा अगले 15 दिन का टारगेट 19,000 से लेकर 18,000 तक का बैंक निफ्टी का टारगेट है। तो थैंक यू सो मच हमारा वीडियो देखने के लिए, और हमारा वीडियो देखते रहें, घर पर रहें, हमारे वीडियो को देखते रहें, मुनाफा कमाते रहें। थैंक यू।